जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज बच्चा मैं लेकर आया हूं आपके लिए लेकर आया हूं। देखता हूं क्या दिक्कत आ गई इसमें। हाँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सब चल रहा है बच्चा। तो ऐसा है ना कि अभी मेरी सहायता के लिए कोई है नहीं जो कि वीडियो को पॉज कर सके, उसको देख सके, वीडियो सही से भर रही है कि नहीं भर रही, तो मुझे अकेला ही देखना पड़ता है, इसलिए मैं आगे पीछे होता रहता हूँ। ठीक है, तो आप परेशान ना हो, अब आपके सामने एक्सरसाइज आ जाएगी, तो उसकी क्वेश्चन ऊपर यूँ उड़ा देंगे। क्या करा देंगे? यूँ उड़ा देंगे। अगर आपने डेमो क्लास ना देखी तो देख लेना, नंबर मत कहना कि शिल्पा को सवाल नहीं समझा पा रहा मैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 7 है जो कि आपको तो 2004 और 2007 में पूछा भी गया है। प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो हमें पता चला कि आर बराबर आ गया 4.2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत आपने की भैया, कोई दिक्कत नहीं। गोले का आयतन वक्रपृष्ठ ज्ञात करना, तो हमें पता है गोले का आयतन। अब आप सबको फॉर्मूला याद हो चुके हैं गोले का आयतन, तो गोले का आयतन आप सबको याद हो चुके हैं 4/3 πr³। तो 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना 4.2 का क्यूब, तो 4/3 लिखेंगे गुणा 22/7 लिखेंगे, और 3 घात चढ़ी, तो इसका मतलब 4.2 कितनी बार है आपको, ये 3 बार है, हमने 3 बार लिख दिया। दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 3 जीरो, क्योंकि 3 देखो, 1 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो से, तो कितने जीरो हो गए, 3 जीरो। ठीक है, अब आप काटोगे तो आप 7 3 21 और 21 2 42। ठीक है, अब आपके पास कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ गुणा रहेगा, आपको गुणा कराना है और आपके आंसर आ जाएगा। देखो 22 2 44, 22 2 44 है, और 44 2 कितना होंगे, सॉरी 22 2 44, 44 4 4 4 176, 44 4 कितना होगा 176। और देखो अब 42 और 42 का गुणा होना है, तो 42 और 42 का गुणा करना मतलब वर्ग हमें याद होने चाहिए, मैंने कहा सोता याद कर लिया, तो 42 का वर्ग कितना होता है 1661764, कितना होता है अच्छा 1764, तो हम गुणा कराएंगे इसका 1764 उसका आया, और गुणा कितना इसका कितना आया था 22 4 88 88 176। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते अपन, तो 6 4 24, 6 6 36 और 2 38, 6 7 42 42 और 3 45, 42 और 3 कितने होते बच्चा 45, 6 कम 6 और 4 10। अब 1 7 7 4 28 7 6 42 और 2 44, 7 7 49 और 4, तो आपको 53, 7 1 7 और 5 12। अब 1 से गुणा करेंगे तो वही की वही संख्या आती है, आप सब कर लेते हो इतना, अब इन सबको जोड़ देंगे 4 8 और 16 की 6 9 4 13 1 14 6 3 9 और 1 10, 6 3 9 10 7 3 10 7 10 और 1 11, यानी 31 कितना आया बच्चा अपना 31 0 4 6 4 बटा कितना 1000 नीचे, तो 3 अंक बाद क्या लगा 0.3104664 घन सेंटीमीटर, कितना आया घन सेंटीमीटर। तो यही आपको परम सत्य आंसर होगा, मैं भी आंसर आपको चेक करके बता देता हूँ बच्चा कि ये आ रहा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल जी, परम सत्य आंसर आ रहा है, यही परम सत्य आंसर है 310 और 4.46। फोर उसने लिखा है, छोड़ दिया कोई दिक्कत, 2 अंक बाद निकाला उसने, तो घन से कुछ नहीं करना था आपको, सिर्फ पाई का क्या रखना था, मार रखना था बस, और सिर्फ काटा पीटी थी मैंने 7 3 2 42, इन तीनों गुणा कर लिए, इन दोनों गुणा कर लिए, गुणा करने के बाद मैंने 1000 का भाग दिया, 1000 का भाग करो 3 अंक बाद दशमलव। तो ये तो हमें आ गया गोले का आयतन, और हमें निकालना गोले का वक्रपृष्ठ, तो हमें गोले का क्या निकालेंगे, वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ। तो वक्रपृष्ठ क्या होता है आप सब जानते नहीं, 4πr², तो 4π का मान कितना है 22/7, मैंने r का मान कितना आपको 4.2 का स्क्वायर, तो हमने कैसे 4 और 22/7, इसको कितनी बार लिखेंगे आपने कही, ऐसे हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि इस पर स्क्वायर है, जिस पर स्क्वायर होता है भैया हमसे 2 बार लिखते हैं, मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 7 1 7 और 7 6 42, 7 7 6 42। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों को कुछ नहीं करो, आप सिर्फ गुणा कराओ, क्या करो गुणा, तो आप 22 4 कितना करोगे आपको 22 4 88, और इसका 6 में करोगे तो 6 2 12, 6 24 और 1 25, ठीक 6 2 12 6 25, इन दोनों गुणा हो कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बच्चा 100 हो जाएंगे। अब अपन को क्या करना है, 88 गुणा कराना है आपको, 88 करो गुणा कितने में करना है 252, मैं इधर कर रहा हूँ, इधर क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 252 में कितने गुणा 88 गुणा,
तो 8 दूनी 16, 8 पाँच 40, सॉरी 41, 8 दूनी 16, 16 और 4 कितने हो गए आपको 20, तो 2016। वाह गैर गजब यार गजब, क्या गुणा करने पर क्या मल्टीप्लाई आया, 2016 2016 जोड़े तो कितना आया 22,176, कितना 22,176 बटा 100, तो दो अंक बाद क्या लग जाएगा दशमलव, तो 22 नहीं 2 से 21.76 वर्ग सेंटीमीटर, कितना आएगा आंसर वर्ग सेंटीमीटर, 221.76 वर्ग सेंटीमीटर, यही आपको अच्छा परम सत्ता आंसर है, और उत्तरमाला में भी यही दे रहा है 221.76 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आपके दोनों क्वेश्चन आंसर आ गए, बहुत अच्छे तरीके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि उस गोले का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए, गोले का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसका आयतन हमको दिया, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, हमने कहा गोले गोले का आयतन, तो गोले का आयतन में आंसर इसलिए देख रहा हूँ, अच्छा ना आप बाद में कहते भैया हमारे आंसर नहीं मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहे हैं, तो मुझे कंफ्यूज करते हो, ठीक है, तो इसलिए मैं पहले से सब कुछ देख के चल रहा जैसे कोई गड़बड़ ना, तो उस गोले का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसका आयतन आपको इतना दे रहा है, भाई साहब आयतन अपन पहले से दे रहा, तो मैंने कहा दिक्कत है, गोले का आयतन दे रहा कितना दे रहा आपको 48 51, मैंने कहा वेरी गुड, अब 4/3 तो रहेगा, अब पाई का मान रखना पड़ेगा आपको, बिल्कुल रखना पड़ेगा, बात तो आ गई, पाई बटा 7 गुणा आर का मान कितना होगा, आपको आर का मान निकालना है। ठीक है, इसको कठिन करने का बहुत अच्छा तरीका मेरे पास है, तो आप घबराएं नहीं, वो समझने का प्रयास कर, देखो आप काटना नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं करना है आपको, 48 51 लिखो, देखो जी सब दोनों गुणा में तो काय में आ जाएंगे आप भाग में, ये सॉरी भाग में थे तो काय में आएंगे गुणा में, और जे दोनों तो गुणा में तो काय में आ जाएंगे भाग में, काय में आ जाएंगे भाग में बराबर आर जी। अब आपको देखना है कि मैं किससे क्या काटूँ, कि किससे क्या काटूँ कि बात बन जाए, क्या बात बन जाए, तो मैंने 11 से काटा, 11 एकम 11 11 दूना 22, इसको काटा 11 चौको 44, बच्चे कितना 4, 11 चौको 44, 11 एकम 11, इतने आ गए, आपने कभी इतने तो आ गए कोई दिक्कत नहीं, मैंने कभी और कट रहा है, आपने कहा अब तो कुछ नहीं कट रहा है, बात कैसे बनी, बात कैसे बने, मैंने कहा बात बन गई है, अब बात बन गई है, बन रहने को रह गया, देखो जे कितने का वर्ग होता है, आपने कहा 21 का रहता है, तो मैं 21 को कितनी बार लिख सकता हूँ, आप कहोगे से भैया आप 2 बार लिख सकते हैं, 21 गुणा 21, और इसका गुणा होगा 7 3 कितने हो जाएंगे, आपने कहा 21, और मैंने कहा इस कितने हैं 4 है, और ये 2 है, तो मैं से 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ऐसे नहीं लिख सकता, देखो 4 गुणा कराओगे तो 4 दूना कितने होंगे बच्चा 8 होंगे, कितने होंगे 8, इसीलिए 8 होंगे, तो मैंने इसको 2 दूनी 4 4 दूनी 8 लिख दिया, क्यों लिखा, क्योंकि ये घन के फॉर्मूले में टूट जाए, अब इस पर क्यू था तो इस पर अंडर क्यू चढ़ जाएगा, इस पर अंडर क्यू चढ़ जाएगा, अंडर क्यू चढ़ जाएगा, ठीक है, तो क्यू जब चढ़ जाएगा तो आप सब जानते हो कि 3 में से 1 को लिया जाता है, 3 में से 1 को लिया जाता है, तो आर वाला जो मान निकला वो कितना आ गया पर 21, और नीचे कितना आ जाएगा 2, तो जी अपनी त्रिज्या आ गई, अपनी क्या आ गई है त्रिज्या, जी अपना अभी आंसर नहीं आई, अपन ने क्या निकाली अभी त्रिज्या निकाली, बच्चा क्या निकाली है त्रिज्या, अभी आंसर नहीं आई सिर्फ त्रिज्या आई, अपन से पूछा था वक्रपृष्ठ, अब लगाएंगे अपन गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ, अब लगाएंगे अपन गोले का वक्रपृष्ठ, तो 4πr² तो 4 पाई का मान तो अपन रखेंगे 22/7, और आर का मान कितना है, तो आपको आर का मान निकालना अपन 21/2, तो 21/2 इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर का मतलब इसे अपन कितनी बार लिखेंगे भाई 2 बार लिखेंगे, जब स्क्वायर है तो कितनी बार लिखेंगे इसे 2 बार लिखेंगे, कितनी बार लिखेंगे बच्चा 2 बार, तो 4 2 दूना 4 कट गए, 7 एकम 7 7 3 21 7 3 21, और 22 को गुणा करेंगे तो 22 3 66 गुणा 21, इनका आपस में गुणा करा लोगे तो 21 छक्का 126 हासिल कितनी हुई 12 हुई कितनी हुई, तो 21 छक्का 126 26 में 12 जोड़े तो 138 वर्ग सेंटीमीटर, तो ये आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको अपन चेक कर लेते हैं, 1386 वर्ग सेंटीमीटर परम सत्ता आंसर आ रहा है, तो कुछ नहीं करना था, तो जब भी यह सवाल आया तो सबसे पहले अपन को त्रिज्या की आवश्यकता, अपन को पता है वक्र प्रश्न में किसकी आवश्यकता होती है त्रिज्या की, और त्रिज्या अपने पास है नहीं, त्रिज्या अपन किससे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से अपन ने त्रिज्या निकाली, त्रिज्या का मान अपन इसे पुट करेंगे तो अपना आंसर है, अपन को सोचना है कि किस चीज़ की आवश्यकता हो रही है हमें, और वो चीज़ हमें किससे प्राप्त हो सकती है, ठीक है, तो आप इनके स्क्रीनशॉट लिए अच्छे से, जो भी आपको करना है इनका वो कर सकते हैं, कि आप अपन चल रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अब चल रहे हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अब बच्चा आपके सामने प्रश्न नंबर है कितना 10, प्रश्न नंबर कितना बच्चा 10, तो क्या कह रहा उस गोले की त्रिज्या ज्ञात की, तो पहले अपन 10वीं को हल कर लेते हैं, बहुत सरल है, ठीक है, तो कह रहा उस गोले की त्रिज्या ज्ञात की जिसका वक्रपृष्ठ, अरे कुछ नहीं था सवाल में, कुछ है ही नहीं, त्रिज्या पूछ रहा था, हमें पता है कि हम वक्रपृष्ठ का सूत्र लगाएं सबसे पहले, लेकिन गोले का वक्रपृष्ठ सल्फा क्रिया अच्छा इतना सरल है, मैंने हाँ भाई बहुत सरल है 4πr² इसका गोले का वक्रपृष्ठ कितना आपका होगा 64π 4
शिल्पा कह रही सर भैया मैं पाई का मान रखूँ कि नहीं रखूँ। मैंने कहा पागल, जब पाई दिख रहा है कि तुझे कट रहा है तो क्यों रखेगी तू उसका मान। पाई गुणा आर का मान निकालना, देखो पाई से पाई कट गया, चार से काटेंगे इतनी बार, देखो चार से अगर आपको ऐसा नहीं काटना आता है तो देखो, अगर आपको ऐसा काटना नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे 64 पाई लिख दो बराबर 4 पाई आर, इसको आर का मान निकालना तो इसको हम काय मिलेंगे बटे में, तो 64 पाई बटा 4 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, चार से काटेंगे कितनी बार कटेगा 16 बार, इधर क्या है आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो इस पर क्या चढ़ जाएगा आप कहोगे रूट चढ़ जाएगा, कितने का वर्गमूल होता है 4 का, तो त्रिज्या कितनी आ गई 4। शिल्पा कह रही नहीं वही तरीका बताओ जो हमने पहले काट के दिखा, मैंने कहा ले पहले वाला देख लिया, ऐसे अपने लिखा था 64 पाई बच्चा बराबर, मैंने इसे 4 गुणा पाई और आर स्क्वायर लिख दिया, पाई से पाई कट गया, चार से काटोगे कितनी बार कटेगा 16 बार, तो आ 16 पे क्या चढ़ जाएगा इस पर स्क्वायर पे क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा। अब चार चौक कितना होता है 16 होता है, होता है कि नहीं होता है, और हमें पता है स्क्वायर में से क्या आता है जोड़े में से एक बार आता है, इसमें से कितना बार आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 4 क्या है जी सब सेंटीमीटर दे रहा है, तो 4 सेंटीमीटर आ रहा होगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में ना इसलिए सेंटीमीटर में आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत कुछ नहीं था सवाल पे, वो सूत्र रखना था और काटना था, काटना आपको दोनों तरीके बताए, जिस तरीके अच्छा लगे काट सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें आ रहा कि नहीं आ रहा, इसमें भी 4 सेंटीमीटर ही आ रहा है। ठीक है अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की, देखो प्रश्न नंबर 9 कुछ नहीं कह रहा था, बिल्कुल सरल सवाल है, कुछ नहीं कह रहा प्रश्न नंबर 9, वो अपन से कह रहा है कि एक गोले का वक्र पृष्ठ, भाई सब देखो वक्र पृष्ठ, उसने वक्र पृष्ठ दे दिया अपन को, क्या दे दिया बच्चा वक्र पृष्ठ दे दिया, वक्र पृष्ठ दे दिया और कह रहा है इसकी त्रिज्या ही बतानी है तुमको, हमने कहा अरे कौन सी बात है त्रिज्या नहीं बता पाएंगे, कह रहा इसकी त्रिज्या ही बताई और इसकी आयतन ही बताई, कह रहा अच्छा ये पूछ रहे हो तुम, मैंने कहा और कहा जा रहे हो, इसकी त्रिज्या बतानी है और आयतन बताना, तो सबसे पहले हम इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, देखो कैसे सूत्र, अभी त्रिज्या नहीं निकाली हमने, निकाली ना जो अपना 10वां क्वेश्चन किया उसमें वक्र पृष्ठ तो दिया था, उससे मैं त्रिज्या निकाली कि नहीं निकाली, त्रिज्या आ जाएगी तो आयतन वैसे ही निकाल लेंगे अपन, तो अपन लिखेंगे गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ बराबर सूत्र क्या होता है आप कहोगे 4 पाई आर स्क्वायर, तो गोले का वक्र पृष्ठ तो पहले से तुमको दे रहा, कितना दे रहा 346.5 बराबर 4 पाई का मान कितना होता है आपको 22/7, मैंने कहा आर का मान कितना आपको निकालना है, तो इसे लिखें 346.5 गुणा, देखो तो जो भाग में है वो काय में जाएगा आपको गुणा में, और जो गुणा में रहते हैं बराबर के साइड काय में आ जाते हैं भाग में, कोई दिक्कत आग नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आ रही है कि अब भैया कटेंगे कैसे, कटेंगे कैसे, संभावना तो बनती है, हमने कहा तो काटना तो अपने को पड़ेगा ही, काटना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अपने को देखो मान तो निकालना है आर का, मान तो निकालना है आर का, अगर आर स्क्वायर है भाई साहब, आर स्क्वायर की जगह इतना रख देंगे तो आयतन तो बताना भी जरूरी है। अब आप दिमाग लगाओ इसको काटेंगे कैसे, काटेंगे कैसे, कितने से कट रहा है कोई दिमाग लगा सकता है, ये पहले संख्या देख लो 346.5, सवाल सही लिखा कि नहीं, हाँ सवाल तो बच्चा सही लिखा 346.5 ही है और 7 है और 22 है, तो हमें पता है कि देखो संख्या कैसे, देखो पहले तो हम इसका 10 बढ़ा लेंगे, उधर क्या बढ़ा लेंगे 10 बढ़ा लेंगे, ठीक है अब इसको काटने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो संख्या सिर्फ 11 से, कैसे 11 से, तो 11 दूना 22, 11 तीया 33, 11 एकम 11, 11 5 कट गया, इतना कट गया, ठीक है सर ये कह रहा है इतना समझ में आ गया हमें, तो मैंने कहा 5 से और काट सकते हैं अपन, 5 से और काट सकते हैं, हाँ 5 दूना 10, 5 से काटेंगे तो 5 छक्का 30 और 5 तिया 15, ठीक है इतना समझ में आ गया भैया। अब 7 तिया 42 हाँ, तो इस अब इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 441, कितना आ जाएगा 421 और 441 और इनका करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 बराबर आर स्क्वायर, इस पर स्क्वायर तो इस पर क्या चढ़ जाएगा रूट, क्योंकि इसे लिख सकते हैं हम 21 41 को इसे लिख सकते हैं 4 गुणा 4 बराबर आर, तो आर का जो मान निकल के आया वो कितना आएगा 21/4 काय में चल रहा मीटर में चल रहा, तो क्या लिख देंगे इसकी इकाई मीटर,
इसी का ही क्या लिख देंगे, मीटर। तो यही आपका परम सत्य आंसर होगा 21/4। कुछ नहीं था वो, थोड़ा हमें काटने में दिक्कत हुई थी, हमने 10 में बढ़ा के 0/8 में देखा 11 से कट सकती है संख्या, कैसे कट सकती है 11 से, तो 11 × 22 11 से काटा 315 गए, फिर हमने 5 से काटा 5 × 2 = 10 होती है 63 हुए, 63 और 7 पर गुणा किया तो 447 आया, और 2 × 4 = 4, 4 × 8 = 8, 8 × 2 = 16 आ गया। तो इससे मेरे पता 41 का वर्ग होता है, तो 21 × 21 लिए 16 को मैंने 4 × 4 लिख दिया, ये आर था स्क्वायर, तो इस पर ये आंसर आ गया। ठीक है, अब अपन ने त्रिज्या निकाल ली, तो आयतन निकालने में कौन सी बड़ी बात है, तो लिखेंगे गोले, गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन में कोई दिक्कत नहीं, गोले का आयतन क्या होता है आपको 4/3 πr³, क्यों तो 4/3 और पाई का मान होता है 22/7। अब मैंने कहा आर का मान कितना दिया 21/4, इसका क्या है क्यूब है, उन्होंने कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देख के आपको कुछ याद आना चाहिए, इसको देख के आपको कुछ याद आना चाहिए, इतने में सेम टू सेम लिखो 3 बार लिखूंगा, इसे कितनी बार लिखूंगा 3 बार। तो मैंने कहा इसको देख के तुमको कुछ याद आया, आपने कभी हमें कद्दू कुछ याद नहीं आया, मैंने कहा क्यों नहीं आया, कह रहा भैया नहीं आया, 7 × 21 = 21 कट जाएंगे, 4 × 4 कट जाएंगे। ठीक है, कुछ याद कैसे आता, कुछ याद कैसे आता, अगर इसके नीचे दशमलव में होता तो हमें पिछला क्वेश्चन याद हो जाता, जैसे कि हमने 7वां क्वेश्चन किया था, ये उसकी मल्टीप्लाई आई थी आपको इसके, देखो ये जो मेंसुरेशन होती है, मेंसुरेशन मल्टीप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्या रहते हैं बच्चा, क्योंकि जब भी हम इनके गुणाभाग करते हैं तो अगले क्वेश्चन वो रिप्लीमेंट होते हैं, रिप्लेसमेंट हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, तो उन्हीं के गुणा जो होते हैं 21 त्रिज्या आपको 7, 21 ऐसी कुछ त्रिज्या मिलेंगी, तो आपको मल्टीप्लाई ध्यान करना किस कैसे गुणा करा, तो मैंने किया था, कभी कभी क्या होता है वही कैलकुलेशन क्वेश्चन आगे मिल जाता है, तो ऐसे बिल्कुल माइंड अप आप करें तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और आप पता चल जाएगा ये रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसको फिर काट लेंगे, 2 से और काटेंगे, 2 × 2 = 4 वही कितनी बार काटेगा 11 बार, कितनी बार करेगा 11 बार। हम इसका गुणा करा लेते हैं, 21 का वर्ग कितना होता है 441, 21 × 21 = 441 तो गुणा कितना 11, 19 4 × 2 = 8। अगर मुझे देखो उसको सरल विधि से बनाना है, अगर नहीं बनाना चाहते हो तो आप इसको तरीके बता देंगे, देखो 11 गुणा करें 11 × 11 = 44 448। ठीक है, तो जी अपना आंसर आ गया। ठीक है, और बटे में कितना आ गया 8 का अपन भाग देंगे, इसमें भाग देंगे तो 8 × 6 = 48। ठीक है, अब भाग देंगे 8 × 6 = 48 कट गया, अब बचा 0, 5 का तक भागेंगे तो 0 बार देंगे, फिर इनका आ जाएगा, फिर 8 × 6 = 48 बचेंगे, 3 × 8 = 8 × 8 = 24 ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। मीटर, मीटर घन मीटर क्या आ जाएगा बच्चा, घन मीटर। आप कहो भैया घन मीटर कैसे आ गया, भाई साहब इसका आयतन निकाल लें, तो आयतन की कई क्या होती घर में, तो घन मीटर आ गया कि नहीं आया, 60.33 लग रहा, आंसर तो नहीं आया, 606.37 आ रहा, 606.37 आ रहा, तो कहीं ना कहीं हमने गलती तो की है, अब वही गलती दिक्कत कर रही है, कहाँ की 7 × 21 सही कट गया, 4 से 4 कट गया, 2 से 11 तो 11 × 11 हासिल, 11 × 44 = 45 हासिल, 4 × 11 = 44 = 48। अब भाग देंगे इसका, हाँ गलती हो गई है सवाल में, गलती नहीं, गलती सही है, बस गलती इधर हो गई है कि देखो अगर आपको दिक्कत हो रही है कैसे कैसे कर दो, 8 का भाग देंगे 8 × 6 = 48, वो थोड़ी मुझसे गलती हुई बता दे रहा हूँ, उतार लिया 5 का भाग जाएगा, नहीं तो कितनी बार देंगे 0 बार, 5 उतार लेंगे इसका 1 का, तो 8 × 48, अब 48 घटाने, अब बचे 3, तो अब लगेगा दशमलव, अब लगेगा दशमलव, मैं दशमलव लगा दिया गलती से पहले, बस वही गलती हुई 606.37। अब आप भाग दोगे इसका, अब आप भाग दोगे इसका तो दशमलव 0 बढ़ाएंगे तो 8 × 3 = 24 घटेंगे कितने बचेंगे 6 × 0 = 8 / 7 = 56, देखो आ गया वही आंसर, तो जी हमने निकाल दिया। वो थोड़ी सी गलती हो गई बच्चा, हो जाती है गलती, मुझसे भी हो जाती है, कोई मैं परफेक्ट मैन नहीं, गलतियां सबसे होती हैं। ठीक है, 8 का भाग दिया, इतना घन मीटर आंसर आया, कुछ नहीं था, सिर्फ हमने आर का मान निकाल लिया बहुत अच्छे तरीके से, आर का मान मैंने यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया, और जिससे आंसर पर बहुत बेहतरीन आ चुका है। सर अब कैलकुलेशन की मल्टी, अब इसको सॉर्ट करने का कैलकुलेशन और कर सकते तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आंसर तो आ गया, इसको जो इस करने का, जैसे 441 × 11/8 आ गया था, तो मुझे 8 को 100 बनाना है, तो मैं कितने से गुणा करूँ, आपको भी 8 को 100 अगर आपको बनाना है तो आपको गुणा करना पड़ेगा कितने से, आप फिर बहुत लंबा कैलकुलेशन चला जाएगा, वो छोटा उधर ट्रिक अपना आ जमा लेते,
क्या मान लेते हैं, क्योंकि 125 अट्ठे कितना होता है 1000 होता है, 125 अट्ठे कितना होता है 1000 होता है, 25 अट्ठे कितना होता है 200 पर 12.5 होगा, तो वो थोड़ा दिक्कत कर रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप भाग दे के सिंपल से कर सकते हो, फिर बताएंगे ट्रिक को, ठीक है। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छे से दोनों प्रश्न हल हो गया, अब लास्ट प्रश्न जो बचा है इसका गोले का, वो भी अपन इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। इसकी थोड़ा ले लो बच्चा जिसको लेना है। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन इस गोली का रहेगा वो है 11वां, फिर गोली खत्म, फिर अर्धगोली के क्वेश्चनों को अपन हल करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो देख लेते पाई के पदों में उस गोली का पदपर से आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 3 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हमें एक बात दिमाग में आनी चाहिए कि किसने कहा है पाई के पदों में, तो पाई के पदों का मतलब ये है कि अब हमें पाई का मान नहीं रखना है, पाई के पदों का मतलब है कि हमें पाई का मान नहीं रखना है, बकाया सबके मान रखने हैं, तो पाई के पदों में आंसर आ गया। मैंने कहा अच्छा ये इतनी सी बात थी शिल्पा कह रही, और मैंने कहा तूने कहा समझा कि बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। व्यास अपन को दे रहा है, व्यास बराबर कितना दे रहा आपको, ये 3 सेंटीमीटर, तो मैंने वो त्रिज्या निकाल ली, तो त्रिज्या बराबर क्या होता है व्यास का आधा, त्रिज्या बराबर सूत्र क्या होता है व्यास का आधा, तो आपको व्यास तो 3 है, तो मैंने कहा 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगी त्रिज्या, और क्या दिक्कत है, 3/2 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। अब गोले का वक्रपृष्ठ, तो गोले का वक्रपृष्ठ पहले याद कर लेते अपन, गोले का वक्रपृष्ठ, तो गोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है आपका 4πr², तो 4 पाई का मान तो रखना नहीं है, आर का मान कितना आपको 3/2, ठीक है, तो 4π इसको कितनी बार लिखेंगे, स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे, तो 2×2 = 4, 2×2 = 2 से काटेंगे, 2 बार कटेगा, फिर 2 से काटेंगे कट जाएगा, ठीक है, 2×2 = 4, 4×1 = 4 ऐसे काट सकते हैं, गुणा करें 3×3 = 9π, काय में दी थी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर आ गया, फिर वक्रपृष्ठ कितना आ गया 9π² सेंटीमीटर, क्या आ गया बच्चा 9π² सेंटीमीटर। कुछ बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन तो हल कर लेते हैं, लेकिन इसकी जो इकाई है वो नहीं लिखते, जो बच्चे इकाई नहीं लिखते हैं तो समझ लो उनका आधा नंबर या एक नंबर वो काट ही देते हैं, आधा नंबर तो कटे ना कटना है, अगर आपने इतना सब ये पूरा हल करने के बाद अगर आपने ये चीज़ नहीं लिखी, पूरा क्वेश्चन सही किया आपने और अगर ये चीज़ नहीं लिखी तो आपका आधा नंबर कट गया, समझ लो ये मैंने कह दिया, ठीक है। तो इसलिए इकाई लिखना बहुत जरूरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना है, तो आपने गोले का आयतन भैया बहुत सरल तो होता है 4/3 और पाई आर की होता है, मैंने अरे भैया 4/3 लिख दो, गुणा पाई का मान तो रखना नहीं है क्योंकि उसी पदों में ज्ञात करना, आर का मान कितना आपने कहा 3/2, त्रिज्या कितनी 3/2, तो बस कुछ नहीं 4/3 हम 3 लिखेंगे, पाई लिखेंगे, और इसको कितनी बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, क्यों है तो इसे कितनी बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, देखो 2×2 = 4, 2×1 = 2, 3 से 3 कट गया, तो गुणा होगा 3×3 = 9π, नीचे 2 और काय में आएगा घन सेंटीमीटर, काय में आएगा बच्चा घन सेंटीमीटर। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आए होंगे, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से, तो दोनों के गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का आयतन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करा कर बच्चा, जिससे कि मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं लगती है चीज़ तो आप हमें कमेंट करेंगे, भैया चीज़ समझ में नहीं आ रही, ये चीज़ गलत है, या कुछ भी दिक्कत आ रही तो आप कमेंट करो, तभी हम उसमें सुधार कर सकते हैं, वरना जैसी करनी और वैसी फिर भरनी, पर वही कहावत है, ठीक है। तो आप सबसे बच्चा विदा लेता हूँ, बहुत जल्द मिलता हूँ अर्धगोलों के क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।